इस हेडलाइंस के लिए हमारे साथ तावन किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज के साथ मैं हूं जमात। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस। हर तरफ रंग ही रंग, सऊदी अरब के शहर जद्दा में कलर रंग के बैनुल अक्वामी प्रोग्राम के तहत जिसमें 70 ममालिक से 70 लाख अफराद दौड़ते हुए अपने ऊपर मुख्तलिफ रंग फेंकते हैं। जद्दा में साले समंदर पर आला सुबह जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के जरिए तमाम 10,000 अफराद जिनमें हर उम्र और मुल्क के मर्द, लड़के, खवातीन और बच्चे मौजूद थे। चश्तियाँ शहर में खेले जाने वाला 16 टीमों के मावैन स्नोकर टूर्नामेंट फाइनल मरहले में दाखिल। जॉन प्लेयर स्नोकर क्लब के दाऊदुर रहमान ने सेंचुरी स्नोकर क्लब के बिलाल को शिकस्त देकर 2019 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पाक पतन, गदा गाड़ी रास्ते में खड़ी करने पर द्रो ग्रुपों में तसादुम, ठंडो सोटो और कुल्हाड़ियों के आजादाना इस्तेमाल। एक राहगीर शदीद जख्मी, वाकिया गांव 32 SP में पेश आया। फुटेज टुडे न्यूज ने हासिल कर ली। दौरान लड़ाई कम सिंह तलबा का भी लिहाज न किया गया। फुटेज में सब वाजे देखा जा सकता है। DPO का नोटिस, तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। अटक सिख यात्रियों की दो रोजा मजहबी रसूमात श्री पंजा में जारी। पुलिस ने नगर करतन जलूस के मुताबिक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोग्राम जारी कर दिया। गुरुद्वारा श्री पंजा बैरून मुल्क से आने वाले 2000 से ज्यादा सिख यात्रियों की शिरकत, 700 से ज्यादा पुलिस एहलकारान अफसरान ड्यूटी पर तैनात। आरिफ वाला रंगशाह के करीब बारातियों की गाड़ी मुखालिफ सिम से आने वाली गाड़ी से टकरा गई। हादसे के नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थर में पायदार तरक्की की शराकती मॉडल के तमाम CPAC मंसूबों पर अमल कराया जाए। सेनेटर के वफद का ऐलान, कुदरती वसाइल पर मुकामी लोगों और इलाके की तरक्की इनका हक है। टंडी गैप के इलाका खोड की तमाम मिलाद पार्टियों और शहरियों की जानिब से मिलाद रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें खोड़ और खिदनवा के आशकान रसूल ने भरपूर शिरकत की। साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल, कारें, वैगने, ट्रैक्टरों के साथ छोटे से बच्चों से लेकर नौजवान और बुजुर्गों और उलमाए कराम ने भरपूर शिरकत की। बहावल नगर थाना फकीरवाली के इलाके 104 सिख आर में तेजाब गर्दी का मामला। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अनवर खेतराम ने वकूए का इल्म होते ही सख्त नोटिस ले लिया। SHO फकीरवाली राव इनाम ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए सफाक मुलजिम मसमी मोहम्मद अमीन को अमखरल सपना 104 मुराद को मौके से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पारखान रकनी सब ऑफिस कस्कू वापसा के मुलाजमीन की जानिब से SSO इंचार्ज मुलाजिम मुनीर अहमद के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। एहतजाज रिकॉर्ड करने का मकसद मुनीर अहमद की गफलत और लापरवाही, बगैर इतला के लाइन चला दी जो किसी भी लैंड मैन की जान ले सकती है। मुलाजमान का कहना था कि इस तरह के लापरवाह मुलाजिम को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला बारखान के शहर रकनी में और ये कैस्को का बाबडा सेंटर है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आज कैस्को की जानिब से SO मुनीर अहमद के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास कैस्को के मुलाजिमान मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि एहतजाज रिकॉर्ड करने का मकसद क्या है। एहतजाज रिकॉर्ड करने का मकसद यही है कि मुनीर SSO जो GSO में इंचार्ज है, उसने हमारे ऑपरेशन सब ऑफिस कैस्को रकनी के लैंड स्टाफ को बड़ा तंग किया हुआ है और हम शटडाउन भी लेते हैं, कानूनी तरीके से काम करते हैं, ये पीछे से बिजली चला देता है। बिजली जब हम शटडाउन लेते हैं तो उस वक्त जो है हमें इमरजेंसी, अगर इस्लामाबाद से वज़ीर आज़म का आर्डर भी मिल जाए, हम नहीं चला सकते हैं क्योंकि हमारा बंदा खंबे पे काम कर रहा होता है। हम इमरजेंसी उसे ट्रेस करते हैं फ़ोन पे, नहीं तो हम बाई बैंड पे जाके जो है ना उसको ले आते हैं, उसके बाद हम शेड्यूल कैंसिल करते हैं, बिजली चलाते हैं। और मुनीर SSO ने बिजली चला दी है तो हमारा लैंडमैन जब खंबे पे गया है तो उसने बल्ब देखा कि चल रहा है, तो फौरी तौर पे LS ने उसके LSB उसके साथ था, उसने नीचे उतरने का कहा, वो नीचे उतरा है। जब ग्रेड पे आया है तो SSO से पूछा है मुनीर से कि भाई क्यों चलाई, उसने बोला तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, जिसकी प्रूफ भी हमारे पास मौजूद है, हमारे पास शेड्यूल की कापी भी मौजूद है। तो उसी वक्त उसने हमारे लैंडमैन के साथ बदतमीजी की है, थप्पड़े मारी हैं, उसी हवाले से हम इसके साथ एहतजाज कर रहे हैं। ये हमसे पैसे मांगता है, ये हमारे लैंडमैन खड़े हुए हैं सारे, पर मन हम करते हैं रेगुलर तरीके से महकमे के लिए काम करते हैं, कोई हम इसके लिए तो नहीं करते हैं। ये हमारा एहतजाज है और मुनीर को हमारी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि इसको ट्रांसफ़र किया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मुनीर ने बगैर इजाज़त के लाइन को स्टार्ट कर दिया और हम ये पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, हमारा मुतालबा तब तक है जब तक मुनीर का यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। जी ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टुडे न्यूज़। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट todenewshd.tv। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।
इस हेडलाइंस के लिए हमारे साथ तावन किया है।